हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं स्टूडेंट को बताने वाली हूँ कि आपका भारतीय विज्ञान संस्थान की तरफ से आपके लिए रिक्रूटमेंट निकला हुआ है, तो कहाँ पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान, तो यहाँ पर आपको डिटेल दिए, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और नेम ऑफ पोस्ट दिए गए हैं टेक्निकल असिस्टेंट्स का। टोटल वैकेंसी आपको 100 पोस्ट है, और यहाँ पे आपको सैलरी बताया गया है लेवल 3 है, आपका 21,700 रुपीज़ आपकी सैलरी होंगी। और यहाँ पे आपको डेट्स दिए गए हैं, अप्लाई करने का डेट है 7 फरवरी से स्टार्ट है, आपका लास्ट डेट आपको 28 फरवरी है। तो आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर लेना चाहिए। यहाँ पे UR एंड OBC है या फिर AWS है, उनके लिए आपका 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST और PWD और कोई भी कैटेगरी की वुमेन है तो आपके लिए कोई फ़ी नहीं है। यहाँ पे आपको एज लिमिट बताया गया है, आपका मैक्सिमम एज आपका 26 होना चाहिए और मिनिमम 18 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पे आपको डिटेल्स बताए गए हैं, वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे UR के लिए 42 है, SC के लिए 16 है, ST के लिए 7 है, OBC वालों के लिए 25 है, EWS वालों के लिए 10 है। टोटल आपका 100 वैकेंसीज़ हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी आपका क्या मांगा गया है, BTech होना चाहिए या फिर BE होना चाहिए, BE आर्किटेक्चर होना चाहिए या बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, BCA होना चाहिए या फिर ये सब होना चाहिए, प्लस उसके साथ 55 मार्क्स भी आपके होने चाहिए, मतलब 55% से ज़्यादा होने चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। आपका सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, यहाँ पे दिया गया है MCQ टेस्ट यहाँ पे होंगे आपको, और यहाँ पे आपको सिलेक्शन नेम बताया गया है, मतलब आपका एग्ज़ाम पैटर्न में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। आपको लॉजिकल रीजनिंग आएगा 20 मार्क्स का, और यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, न्यूमेरिकल रीजनिंग आएंगे आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, यहाँ पे वर्बल रीजनिंग एंड नॉलेज इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस आएंगे 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको जर्नल अवार्डनेस मिल जाता है 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन। टोटल 80 मार्क्स के 80 क्वेश्चन आएंगे। पेपर बी में आपका क्या आएगा, मैथ आएगा, मैथ वो भी 20 मार्क्स के आएंगे। यहाँ पे ऑप्शनल सिलेक्ट एनीवन, अगर या तो आप फिजिक्स सिलेक्ट कर सकते हैं या केमिस्ट्री या फिर बायो या फिर इंजीनियरिंग बेसिक कंपोजिशन, तो आपको यहाँ पे इसमें सेलेक्ट करना है, एनी टू सेलेक्ट करना है, या फिर आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले सकते हैं या केमिस्ट्री बायो ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको इंजीनियरिंग लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। सारे में आपका क्वेश्चन आएगा 40 मार्क्स का और 14 क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें आपको 100 मार्क्स के रहेंगे टोटल। अगर आप इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक करके आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ पोजीशन दिए गए हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका दिया गया है, यहाँ पे एज लिमिट 26 एज ऑन 28 फरवरी 2022 दिया गया है, एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स, OBC वालों के लिए 3 ईयर्स दिया गया है, और यहाँ पे आपको पे स्केल्स भी बताया गया है 21,700 रुपीज़, और यहाँ पे आपको फ़ी एप्लीकेशन फ़ी बताया गया, टर्म्स एंड कंडीशन भी यहाँ पे बताया गया है। अब अगर आपको इसके लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई लिंक दिया गया, रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अगर आपने कभी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करना है, तो यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको अपना नाम फिल कर लेना है, फादर नेम फिल कर लेना है, मदर नेम फिल कर लेनी है, यहाँ पर आप क्लोज पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेट मोबाइल नंबर आपको फिल कर लेना है, ईमेल आईडी फिल कर लेनी है, कंफर्म ईमेल आईडी, OTP आपके फ़ोन में एक जाएगा उसको आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको कैप्चा कोड में जो इमेज दिख रहा है वो फिल कर लेना है आपको, यहाँ पे फिर आई एग्री पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो हो जाएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाके चेक करें। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।